टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों कैपटाउन में खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग कर रही हैं, लेकिन अब हो सकता है कि श्वेता को शो बीच में छोड़कर वापस मुंबई आना पड़े। इसके पीछे की वजह श्वेता के पूर्व पति अभिनव कोहली हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अभिनव कोहली ने श्वेता तिवारी पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को अकेला एक होटल में छोड़ दिया है। बीते कुछ समय से अभिनव कोहली लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके अपनी परेशानी फैंस के साथ शेयर कर रहे थे। इसके जवाब में श्वेता तिवारी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में अभिनव कोहली अपने बेटे को श्वेता तिवारी की गोद से छीनते दिखे थे। ये वीडियो सामने आने के बाद महिला आयोग के चेयरपर्सन ने महाराष्ट्र की DGP से इस मामले की जांच करने की अपील की थी। इसी बीच अभिनव कोहली मुंबई हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। अपना बच्चा खोजने के लिए अभिनव ने हाईकोर्ट से अपील की है। इसके साथ ही अभिनव कोहली ने इस बात का खुलासा भी किया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद श्वेता तिवारी को जल्द ही मुंबई वापस आना होगा। अपनी पोस्ट में अभिनव कोहली ने लिखा, मैं मुंबई हाईकोर्ट को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हाईकोर्ट में मुझे अपनी दलील रखने का एक मौका दिया। अब मैं हाईकोर्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर पब्लिश होने का इंतजार कर रहा हूं। आगे अभिनव कोहली ने लिखा, हाईकोर्ट में मेरे वकील ने बताया कि किस तरह से श्वेता तिवारी बच्चे को अकेला छोड़कर चली गई। श्वेता तिवारी के वकील ने भी ये बात मानी है कि अदाकारा देश से बाहर है। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि हमें लिखित में याचिका देनी होगी। इसके एक हफ्ते में श्वेता तिवारी के वकील को जवाब देना होगा। 24 को होने वाली सुनवाई में मैं और श्वेता तिवारी एक साथ शामिल हो सकेंगे।